कविता जी, निर्वेश और सोनाक्षी फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। और सोनाक्षी दारुण हुए चे तुम्हार गान। थैंक यू। और मैं क्या बताऊँ, आप लोग कितना पानी की तरह गा जाते हैं गाना। आप लोग गाते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर वाले की दया प्रेम आप लोगों के ऊपर देख रही हूँ मैं। क्या है ना, ये 9 साल की उम्र में और 14 साल की उम्र में, ये इट्स अ वेरी मच्योर रोमांटिक सॉन्ग। जिस तरह से आप लोग ने इसको इमोट किया, आई डोंट बिलीव दिस, इट्स अनबिलीवेबल। और जिस तरह से आपने ये इसको निभाया, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने दोनों ने। मुझे लगा कि आप दोनों इतने सिंक में हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप महीनों से प्रैक्टिस करते हैं या शायद साथ में टूर करते होंगे, ऐसा लग रहा था। हालांकि ऐसा है नहीं, आप लोग बेहतरीन सिंगर तो हो, बेहतरीन परफॉर्मर बनते जा रहे हो। बस हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेस का भाग बन सकें। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अब है रिजल्ट टाइम। निर्वेश, सोनाक्षी, सोनाक्षी से कुछ कहना चाहूँगा। पिछले हफ्ते आपको याद है, आपने जब आपसे पूछा गया था कि मंदिरा और करण में से आपको कौन पसंद है, आपने क्या कहा था? आपको वो डिसीजन चेंज करना है क्योंकि आपका डिसीजन मेरे हाथ में है। मतलब आप मस्का भी मार सकते हो मुझे। सॉरी। हाँ जी सर। यहाँ हालत खराब हो रही है, जल्दी बता दो यार। टेंशन में हम तीनों को, शेखर और मैं तो फिर भी संभाल लेंगे। कविता जी इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उनको स्ट्रेस मत दीजिए। सबका मैं मतलब आई थिंक स्ट्रेस अभी दूर कर देता हूँ। तो हमारे जजेस के मार्क्स और जनता के वोट्स दोनों मिलाकर आप दोनों सेफ हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.